राहुल गांधी को अब सात समंदर पार से चुनाव लड़ना होगा। मोहन यादव बोले, अमेठी के बाद वायनाड से भी हारेंगे कांग्रेस नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार समाप्त होने के बाद बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी पिछली बार उत्तर भारत में अपनी अमेठी सीट नहीं बचा सके और अब वो वायनाड भी नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने छिंदवाड़ा में भी भाजपा की जीत का दावा किया। लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार की राजनीति तेज हो गई। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब सात समंदर पार किसी जगह से चुनाव लड़ना पड़ सकता है क्योंकि उन्हें देश में सुरक्षित सीट नहीं मिलेगी। अब वायनाड भी नहीं बचा पाएंगे। राहुल लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार समाप्त होने के बाद बुधवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी पिछली बार उत्तर भारत में अपनी अमेठी सीट नहीं बचा सके थे और अब वो वायनाड भी नहीं बचा पाएंगे। भाजपा नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और गरीबी से सफलतापूर्वक निपटा है। यादव ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी छिंदवाड़ा समेत एमपी की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतेंगी। 2019 में कांग्रेस ने एकमात्र सीट छिंदवाड़ा जीती थी। डॉक्टर यादव ने सिविल लाइन स्थित नर्मदा जैक्सन होटल में प्रेस वार्ता की, जहां पर लोकसभा प्रत्याशी आशीष दुबे के साथ जबलपुर का दृष्टि पत्र भी जारी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घमंडिया गठबंधन के बूते पर जिस तरह से 6-8 माह से ये लोग माहौल बना रहे थे, वह पूरी तरह से फेल साबित हो गए हैं। डॉक्टर यादव ने बताया कि राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल की सभा में जगह नहीं उपलब्ध करवाई। जिस तरह से हालात बने हैं उससे आगे झारखंड और बिहार राज्यों में भी ऐसा ही होगा। दृष्टि पत्र के दौरान उनके साथ लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि, पूर्व मंत्री और विधायक अजय बिश्नोई, विधायक अशोक रोहानी, विधायक अभिलाष पांडे, विधायक नीरज सिंह, विधायक संतोष बरकरे, नगर अध्यक्ष प्रभात साहू, शुभम अवस्थी, नितिन भाटिया, रविन्द्र तिवारी सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।